जय हिंद दोस्तों, मैं गिरीश कासन और आप लोगों के लिए मेरी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आज एक नए टॉपिक लेकर आया हूं, गुरुदेव भव पितृदेव के बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को विनती करता हूं कि मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मैं नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय पर। मैं दोस्तों बता दूँ आप लोगों के लिए, जब तक माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिलता है तो इस दुनिया में कुछ हम बड़ा काम नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ, माँ बाप का आशीर्वाद, जो हम बड़े काम करना चाहता है, समाज में नाम रोशनी करना चाहते हैं, तो उसके लिए माँ बाप का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो माँ बाप हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत कठिनाई समस्या झेलता है और हमको पढ़ाई के दौरान खूब मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके हमको पैसा देता है। तो वो पैसा लेके हम अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छे पद में जाते हैं, ये बड़ा नाम रोशनी करते हैं। इसके पीछे सबसे जो है माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप का मेहनत रहता है। तो इसलिए इस दुनिया में माँ बाप, मैं मानता हूँ माँ बाप का सर्वश्रेष्ठ है। तो माँ बाप के ऊपर एक मेरी छोटी कविता होगा, तो कविता जो कवि जो एक कविता लिखा है माँ बाप के ऊपर, वो आप लोगों को सुनाऊंगा। यल्लो हुड़कद इल्लद देवर कल्लु मण्णु गुड़ियोगे इले प्रीति स्नेह गुरुतु नमोगे। इसका मतलब होता है, हम भगवान को देखना चाहते हैं और भगवान को देखने के लिए हम लोग कहीं मंदिर जाते हैं, चाहे बद्रीनाथ हो या कन्याकुमारी हो, बहुत अनेक अनेक जगहों में हम लोग दर्शन के लिए, तिरुपति हो गया, साई मंदिर हो गया, सभी जो अच्छे मंदिर है तो वहाँ पर जाके हम लोग भगवान को देखने जाते हैं। तो मेरा यही कहना है, तो आपके आंखों के सामने जो भगवान के रूप में हमारा माता पिता है, तो आप माता पिता को जब तक खुश नहीं रखोगे तो भगवान भी आपको आशीर्वाद नहीं देगा। इसलिए मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए, माँ बाप को प्यार करना चाहिए, माँ बाप को गौरव करना चाहिए, माँ बाप को अच्छे रखने की आप लोग हमेशा तैयार रहना चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं, हम लोग जो भी है इस दुनिया में, जो समाज में हमको लोग जानते हैं, इसकी वजह ये माँ बाप का आशीर्वाद की वजह से हमको इज्जत मिल रहा है। तो इसलिए माँ बाप को मैं सभी को बता दूं, माँ बाप को अच्छा रखने की प्रयास कीजिए और आप बड़ी से बड़ी काम करके माँ बाप का नाम रोशनी करने के लिए आप लोग प्रयास कीजिए। इतनी मेरी कहना था इस वीडियो में। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं आने वाली भविष्य में एक अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।